को भी बताया हमने, जो करांची वाले भाई हैं हमारे, कि यहाँ चीता निकल आता है तो भाई के ना शार्ट हो चुके हैं। ओए आ जाएंगे, ओए एक आध यहाँ पे है ना भाई। उब तेरी खैर, वजह ये है कि इनकी चोरी पकड़ी जाती है ना यार। अभी अभी सामने को पहुँच गए हैं तो जो व्यू हम देख रहे हैं, हम कोह के दामन में पहुँच चुके हैं। लेकिन अब आपको मैं पूरा ये व्यू दिखा दूँ यहाँ से खड़े होके जो व्यू आता है। Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog, sorry another Patti Gang vlog series। यार पता है बहुत बहुत एक ज़्यादा वक्फे के बाद दोबारा से vlog continue हो रहा है। शायद हमारा last vlog था फलूदे वाला, उससे पहले ये था कि जी मैं इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ, तो इस्लामाबाद में वापस आ गया था। यहाँ आके मैंने कुछ vlog शूट किए थे, लेकिन वो पता नहीं कुछ मसला वगैरह बन के तो vlog continue नहीं हो सका। तो आज अगेन से दोबारा से व्लॉग की सीरीज शुरू हो रही है। इंशाल्लाह 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 पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे व्लॉग्स अब कंटिन्यू रहें। तो खैर मैं यार इस्लामाबाद ही हूँ, ये मेरा रूम है यार हॉस्टल का, ये हॉस्टल का मेरा रूम शूम है यार। ये देखें ज़रा, ये सारा ये साफ सुथरा रूम है यार, बस हल्का फुल्का सफाई होने वाली कमरे की है बाकी। तो हॉस्टल भी यार आके चेंज किया था, बड़े यार थोड़े बहुत मसले थे यहाँ पे, दो तीन हॉस्टल चेंज किए यहाँ पे, कुछ मसला बन गया था हॉस्टल का। तो खैर जिस बिल्डिंग में जाते हैं और बिल्डिंग ही सेल हो जाती है, और वो बिल्डिंग फिर सेल भी अलग होती है, टूट नहीं होती उस बिल्डिंग ने, दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट होती है। इस दो हॉस्टल किए, दोनों हॉस्टल में यही हुआ है, तीसरे में खैर टीखे आ गए अब। तो खैर यार आज सुबह उठे थे यूनिवर्सिटी का वही रूटीन, जो यूनिवर्सिटी गए थे वापस आए हैं, नाश्ता वगैरह किया था आके। तो हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एहतशाम भाई, तो वो लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो उनके साथ उन्होंने कहा जी कि आज का प्लान है कि चलते हैं आज फैसल मस्जिद। मैंने कहा नहीं है फैसल मस्जिद नहीं जाना, चलते हैं हम दामने को, वहाँ पे ज़रा व्यूज़ भी अच्छे हैं, तो कुछ वहाँ पर कपूर खा भी मिलेंगे जाके। तो कह रहे चलो ठीक है डन करो, दामने को चलते हैं। तो खैर नाश्ता वगैरह किया, घर आया, टीम हमारी बाहर रेडी है, दो बंदे साथ हैं, शूज़ वगैरह पहनते हैं, तो बाहर जाके आपसे उन आप दोनों आप लोगों को उनसे भी मिलाते हैं। ठीक है ब्रो? ठीक है। शूज़ वगैरह पहन लिए थे, रूम भी लॉक कर दिया है। अब ये हमारे हॉस्टल का कॉरिडोर है यार, मेरा ग्राउंड फ्लोर पे ये कमरा है, बड़ा नया नया हॉस्टल बना है, अभी देखते हैं ये कब तक तमीर रहता है हॉस्टल यहाँ पे। तो यार सबसे पहले जब हम हॉस्टल से बाहर निकलते हैं ना, ये हॉस्टल से बाहर निकलते सामने दरिया नाले का बहुत खूबसूरत व्यू है, एक दरियाए नाले का, ये बहुत बड़ा कोई नाला है, गहरा तरीन। और हाँ जो हमारे दो टीम साथी हैं जो साथ जा रहे हैं, हमारे टीम मेंबर्स, टीम साथी बोल दिए यार तो उनसे मिलाते हैं शाम भाई। सबसे पहले यार ये हमारे तो शाम भाई हैं, जो मैंने आप लोग सब ठीक ठाक हैं, ये हमारे लाहौर से भाई हैं, और ये भाई हमारे कहाँ से हैं यार? कराची से। ये कराची से हैं, ये बहुत ऊपर रहते हैं, वो देख रहे हैं वो बस उससे ऊपर नहीं जाना, उससे ऊपर आप ख़त्म हो जाओगे बिल्कुल ही। ठीक तो खैर चलें फिर श्याम भाई, चलो किस मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं? 150 पे सुनो जा रहे हैं हम, 150 की जैसी अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही, अब 70 होती है उसी पे जाएंगे। ये तो श्याम भाई का बाइक है यार, ये यहाँ आके नया नया 150 लिया है, होंडा 150। ये भाई जान चेक करें, 150 80 काट के 150 है ये, इसमें एक उड़वा गियर भी है, वो उसमें बाइक बंद हो जाती है उसमें बाइक खुल जाता है, रिवर्स गियर भी है, सारे चढ़ाइयों के ऊपर रिवर्स गियर अक्सर लग जाता है तो यार अभी ये जब स्टार्ट होएंगी मोटरसाइकिल, फिर आपको रास्ता शास्ता दिखाते हैं, दामने को जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत जगह है, पता तो होगा आप सबको, आप सबने भी देखी होगी। लेकिन चले हमारे ब्लॉग के थ्रू भी दामने को का जरा थोड़ा सारा नज़ारा करें, मज़ा करें। क्यों शाम भाई चले मार लो यार, क्योंकि यार इधर आओ ना, केक खाओ, इधर आओ केक खावे, केक भी चेक करो उस्ताद जी, समझ रहे हो? ओए गियर ते कट लो यार इसको। A few moments later, तो यार मेन रोड पे निकल पड़े हैं, हमारी बाइक हॉस्टल सिटी से निकल आए थे, हॉस्टल सिटी मैंने दिखाना था आपको, लेकिन ना वहाँ पे वो मैंने टेक लिया था, वो मेरा खत्म हो गया था, तो बाहर मेन रोड पे निकल आए थे हम। वेल अगर आप हॉस्टल सिटी देखना चाहते हैं आप जाएं मेरे पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर जाएं, आपको उधर मिल जाएगा व्लॉग में, मेरे में हॉस्टल सिटी निकल आएगा फ्री में, अपनी फ्री में अपनी यार वो मार्केटिंग तो करनी पड़ती है ना तो
तो यार खैर अभी निकले तो पता लगा बाइक में सारा अजरब लग गया था मोटरसाइकिल हमारा, तो अभी पेट्रोल डलाएंगे इसके अंदर। और ये यार रोड का थोड़ा सा ये सीन है, इसका यहाँ से बहुत खूबसूरत रोड है ये वाला। खैर अभी आगे क्या वो सामने मार्गला हिल्स जो है ना, बहुत अच्छी नजर आ रही है आपको, जरा जूम कर जाके जूम क्या है आपको जाके वहीं दिखाएंगे हम, उसी जगह पे जा रहे हैं, वो सामने पानी नजर आ रहा है, दिखाना है जाके दिखा रहे हैं लोगों को ऐसे जाए फिर से चलते हैं। यस अभी दो सब लोग कह रहे हैं तो फिर चले जाते हैं। पेट्रोल पंप पे पहुंच गया, कितना का डलवाना है, कितने का इशारा करो, वो सुन नहीं सकते। 300 की टंकी फुल यार, उसने तो कहा यार भाई यहाँ शूट ना करें यार, वजह ये है कि इनकी चोरी पकड़ी जाती है ना। हाँ चोरी पकड़ी जाती है इनकी, जो पेट्रोल पंप है ना रेपेरी करते हैं ये लोग, वो पकड़ी जाती है। ओए गाली मैंने तो नहीं निकाली, नहीं गाली नहीं तकिया का नाम है। तो यार ये पता क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब ये आपको कहते हैं ना बाइक से आप उतर जाएं, उस टाइम में हेरा फेरी डालते हैं वो बंदे का ध्यान, आपका ध्यान होता है, आपका ध्यान होता है बाइक से उतरने की तरफ, पीछे से ये करते हैं हम। इनके मीटर मोटर यार सेट होते हैं पहले से, इसलिए भाई जब भी पंप जाया करो ना वो मैनुअली डलवाया करो, उनसे कहो भाई को मिलाना मतलब कुछ भी नहीं है, इनके मीटर सेट हो जाते हैं लेकिन हम जैसों को शॉर्ट हो जाते हैं। इधर मीटर की भी सेटिंग है देख लो यार, हमारी फिर भी नहीं है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यार चलो यार बस निकले, ले लिए आपने हमारे 10-10 रुपए के ज्ञान। तो यार अब सीधी मोटरसाइकिल रुकेगी भाई दामने को जाके इंशाल्लाह, क्यों भाई। चलिए जी तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। खूबसूरती की क्या ही बात है, ठंडी फ्रेश हवा ताजी और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी यार, चेक करें ये रोड है हमारा, वो वाला यार पाली में रोड है, अभी भी काफ़ी दूर आ रहा है हमें वैसे पहाड़ वगैरह, बट वो देखने में काफ़ी करीब लग रहे हैं, करीब ही हैं बस अपनी जगह के, लेकिन शायद वहाँ जाते थे हमें रात हो जाए, लेकिन रात के मनाजिर भी वहाँ से बहुत प्यारे हैं, इस्लामाबाद अब जगमग करता नजर आता है सारा, उधर सामने को से खड़े हो गए। तो खैर यार आप बस खूबसूरती के मजे लें यार बस फिलहाल। अभी मैं क्या करना, कोई नहीं यार, इस्लामाबाद का रोड है एक, ये वाला थोड़ा सा 1 किलोमीटर का रोड है ये वाला, ये वेस्ट प्लास्टिक का बना हुआ है और कमाल रोड बना होगा, कमाल ही बना हुआ है, इतना कोई कमाल नहीं है लाहौर के इतने ज्यादा। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है यार, ये तो ना ये लाहौर वाले जो है ना आज आके लाहौर की धूल लाजमी फेंकनी होती है यहाँ पे, इस्लामाबाद कहाँ पे यार लाहौर कहाँ पे यार, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। आप इस्लामाबाद सेंटर है लाहौर पंजाब में, आई नो बहुत बड़ा सिटी है लाहौर, लेकिन इस्लामाबाद ब्यूटी के लिहाज से खूबसूरत जगह है, देखें यार ब्यूटी देखें, ये है वहाँ पे, ये कुछ है वहाँ पे पहले, ये लाहौर लाहौर वो गलत है, जिसे लाहौर नहीं देखे आओ वो मरिया ही नहीं, जमया ही नहीं। ये भाई भी है भाई, क्या बोल रहा है, उबला हुआ अंडा मांग, और हेलमेट चेक करें आप, दिमाग से फटा हुआ है। Thank you.
20 minutes later. यार सामने को भी पहाड़ियाँ हम चढ़ गए हैं। जैसे आप जाते हुए ना छल्ली ले लें तो वो आपका ऊपर का मजा दुबला हो जाता है। छल्ली ले ले। छल्ली से लेपरेट। खरीद ले। तो यार ये मार्गला की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी है यार। यहाँ पे किधर है पहाड़ियाँ दिखाएं जरा यार। ये पहाड़ी पे ही चढ़ रहे हैं। पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। किधर है पहाड़ी? ये उसी पे चढ़ रहे हैं यार। यहाँ पे एक बड़ी मशहूर एक बात है, यहाँ पे चीते बहुत निकलते हैं। ये जंगली हयात ही लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर। बोर्ड पीछे गुजर गया निकला हुआ है। ये देखिए ना पीछे बैठा है मेरे। चीता नहीं है यार, बिल्ली है। बिल्ली चाहिए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है यार, मैं कभी यहाँ पे आता ना मैं ये जरूर दोस्तों में कहता हूँ यार, अगर कल तो चीता सामने से आ गया क्या करेंगे। अच्छा मेरे से भी इसने पूछा, मैंने कहा यार मैं तो उसको कहूंगा इसको ले जाओ यार, मुझे छोड़ दो, इतना कमील काफी है आपके लिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यार यहाँ पे ना कुछ ट्रैक्स भी बने हुए हाइकिंग करने के लिए, तो ट्रेल बने हुए हैं यहाँ पे। ट्रेल का टू भी है, ट्रेल वन से ट्रेल थ्री तक डिफरेंट हाइकिंग ट्रेल्स हैं और सब अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम ट्रेल थ्री के इधर हाइकिंग करते हैं, वहाँ पर जहाँ पे शेर वाली बात बताइए उन्होंने कि मुझे कर देंगे। कैसे महसूस कर रहे हैं आप सर? बताया हमने जो क्रांची वाले भाई हैं हमारे, यहाँ चीता निकल आता है तो भाई के ना शॉर्ट हो चुके हैं कि यार मुझे आपने वहम में डाल दिया, यहाँ चीता पकड़ भी लेगा यार। यार रिस्क भी नहीं तो नहीं ले सकते हम लोग, पकड़ने को पकड़ सकता है यार, क्योंकि यहाँ पे ना ये पहाड़ियों के ऊपर गुफा वगैरह बनी हुई है। तो खैर थोड़े से शॉर्ट लेने के लिए यहाँ ये भाई साहब वहीं रुके हुए हैं, चलो थोड़ी सी वीडियोस रिकॉर्ड कर लें। ये चेक करें यार आप, कराइए मोटर कह रही थी मेरा वजन बहुत है, 150 ना चढ़ जी रहा ऊपर ये ना बराबर करना जरा नहीं क्या जरा है। तो शाम भाई मैं कहा यार आपने वो जगह चेंज कराई है, मेरा वजन बहुत था है 150 यार रुक गया बंदा पूछे। वो 80 केजी कम कर दिया ना यार। खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। खैर ये भाई दोनों यहाँ पहली दफा आए हैं, मैं तो बड़ी दफा आया हूँ। ये उनको बड़ी प्यारी जगह लेगी ये वाली है, क्यों क्या कहते हैं? बिल्कुल बहुत प्यारी है। एक्चुअली मैंने खुद कभी टेस्ट था देखने का ऐसी चीज़ें, मैंने क्योंकि नेचुरल मतलब जो ब्यूटी होती है मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। इधर पहुंच गए हैं अभी अभी, इधर मेकअप नहीं खत्म हो रही है देखो यार। मेकअप ये कहीं यार आप किसने दिखाना किसी को आपने देखना? सॉरी साले छोटे मोटे मंकी शंकी भी हैं, ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, जूम तो नहीं हो सकता। हाँ ये बात भी ठीक ही है, दो नजर आ जाएंगे दूर से, कोई काफी ज्यादा है यार, थोड़े नहीं है आ जाएंगे। वही एक आध यहाँ पे है ना भाई, उब तेरी खैर ओए इसकी माँ मारेगी आगे बड़ा ओवे कौन है तू? बंदर लगे ना हम पूछेंगे कौन है तू? देखा ना उंगली लेने की आदत है ना, आगे उसकी अगर माँ कहती ना पीछे गए थे आप। फिर कोई नहीं मैं दौड़ लगा देनी। हाँ बेबी वो इधर सीना बाहर आ जाए यार। यार वो गोरिल्ला नहीं था, अफ्रीका में वो गोरिल्ला नहीं था, वो बंदा था जिसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। वो कहाँ गया? वो इधर ही कहीं था, वो जगह ही निकलने के निकला कहाँ से है वो? बाहर आ इधर आ ओ बैठ बताया था ना बचपन में पटाखे फेंकता था लोगों के पास। One eternity later यार अभी अभी सामने को पहुंच गए हैं, तो जो व्यू हम देख रहे हैं, हम कोह के दामन में पहुंच चुके हैं। वो देखो फैसल मस्जिद नजर आ रही, कहा था ना मैंने, माइटी फैसल मस्जिद। यार नजर नहीं आ रही यार कैमरे का एंगल यार, लेकिन छोड़े मैं अब आपको पूरा हम ये कह रहे हैं ना वहाँ पे है तो है वहाँ पे पास, लेकिन अब आपको पूरा ये व्यू दिखाता हूँ यहाँ से खड़े होके जो व्यू आते हैं।
तो यार मजा आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत बहुत मजा आ रही है। गार्डन गार्डन हो रही है और ये ये सब मिला। हमको स्टिंग बुला लो, स्टिंग स्टिंग बुलाएंगे, स्टिंग स्टिंग ले देना, स्टिंग मंगवा देना, एक स्टिंग है। कराची वाले स्टिंग क्यों पीते ना कहते हैं, स्टिंग ले आना, स्टिंग। ऐसा नहीं है, वापिस चले सुबह स्कूल भी तो जाना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? आपका गिला दूर, आपने कहा था ना यार मुझे रोस्ट ना करना है, थोड़ा सारा कर सकते हैं। तो यार बस थोड़ा थोड़ा करने का, वो तो नहीं करने का भाई को, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रही है। क्या खाना पीना है यार? यहाँ पे ना खाने का सामान अपना नीचे से कहीं बाइट से या घर से लेके आया, क्योंकि यहाँ पे खाना पीना थोड़ा सा सिर्फ इस व्यू की वजह से महंगा है। 30 रुपए का पेट्रोल डलवाना था, मैंने 300 का डलवा लिया, तो देख लो आना भी महंगा है यहाँ, आना महंगा, जाना महंगा, खाना महंगा, नहाना महंगा। इनके ये फोटो शूट वगैरह शुरू हुए हैं सारों के। आप भी व्लॉग शूट कर रहे हो? हैं? ये भाई जन को पिक्चर पसंद नहीं आ रही थी, तीन चार पिक्चर खिंचवाई हैं जाके, तो पसंद आई है कोई इनको। मसले की बात ये है, इस बच्चे का मैं शूट कर रहा था और मैं थोड़ा सा पीछे चला गया और ये कैमरे को नजर ही नहीं आ रहा था, फोकस ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा मतलब आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज, बिल्कुल आप मेरे साथ हैं। क्या चीज, क्या हो गया? इसको कैमरा फोकस कर पा रहा था लेकिन ये बच्चा इसको इसको फोकस नहीं कर पा रहा था, वो मतलब समझ रहा था ये कुछ है ही नहीं। मेरे ही व्लॉग में मुझे रोस्ट करी जा रहे हो, कमाल नहीं होगी वैसे यार। हाँ यार इसको नहीं आने से मैंने कैमरे में लेके आना, ये मुझे रोस्ट करी जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही यार, मुझे रोस्ट करी जा रहे यार। एक तो नहीं यार, हमारा वापसी का रास्ता मुश्किल है ना, साथ में ले गए इसको, आने का भी रास्ता मुश्किल है। नहीं बताओ ना, उधर कोई शेर शूर आ गया। लड़ोगे क्या? तो यार चलो ना, बस देख लिया और कुछ भी नहीं यहाँ पे, अब उधर को चलते हैं, कुछ देखते हैं खाने पीने क्या मिल रहा है। आपने देखा नहीं, यहाँ बहुत कुछ है देखने को। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरी बात चल रही है यहाँ पे यार, अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए थे, एक और एक कोई स्पॉट सा था यहाँ पे, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा यार, ये इतना सा नज़र आ रहा है, कोई स्पॉट सा था यहाँ पे, फिर खड़े हुए हैं यहाँ से, थोड़ा सा ऊंचा नज़र आ रहा है ये, तो शाम भाई हमारे फुल व्यू का मज़ा ले रहे हैं खड़े यहाँ पे। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपकी आँख देख सकती है ना वो कैमरे की आँख नहीं देख सकती, लेकिन जो मेरी आंख देख सकती है वो आपकी आंख भी नहीं देख सकती। वो कैमरे की तो मेरी देख ही नहीं सकती ना, मेरी नजर खराब है, मेरा किसी चीज पे फोकस ही नहीं हो रहा। तो जो मैं देख सकता हूँ वो आप देख ही नहीं सकते, इतना मुझे मजे का व्यू आ रहा है। वो व्यू मैं अब आपको कैसे दिखाऊं? बेसिकली यार वो व्यू थोड़ा सा ना जैसे लाइट ब्लर ब्लर सी, फोकस नहीं हो रहा, वो वाला व्यू पड़ रहा है। और ये लाइट्स आपको डॉट्स लग रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये फुटबॉल्स हैं। One hour later. बच्चों को खुश कर दिया ऊपर, वो दिखा के व्यू शू वगैरह, तो बच्चों खुश हो गए हो। इधर करना बच्चा। ये तो अब बच्चे सिद्ध कर रहे हैं कि ऊपर मुनाल वाली साइड देख के टूट गया मुनाल, ये तो बड़े डर रहे हैं, तो मैं इनको कह रहा हूँ मैं साथ हूँ, टेंशन ना लो यार। खैर चलते हैं आप थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से अंधेर है तो रोड दिखाया नहीं जाना, व्यू शू इधर रात में नजर नहीं आना, तो खैर मुनाल टूटा हुआ शायद नजर आ जाए, अगर तो है तो आपको लाजमी वो दिखाएंगे। चलते हैं मुनाल थोड़ा सा तक आगे, चलते आते हैं यहाँ से। चल 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 चल। तो यार अभी अभी नीचे, अभी अभी नहीं नीचे उतर के थे, मैंने वहाँ उतर के व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि यार वो सारी ट्राई थी, रात का टाइम था तो खतरा होता है ज़रा बाइक वगैरह का, स्लीप वगैरह होने का, तो कहीं हो तो बाइक ज़रा डोलता है ऐसे करके खतरा ज़रा। तो खैर नीचे उतर के फिर हम थोड़ा बहुत चक्कर चक्कर मारा, तो आप बस वापसी की तरफ रवान भी है हमारी अपने हॉस्टल की तरफ। तो ये कहाँ घूम रहे हैं हम, जिस रोड पे, खैर रोड सड़क जिस पर घूम रहे हैं, बस सड़कों पे रूढ़ियाँ कर रहे हैं हम। तो खैर अभी अब बस आज का व्लॉग इतना ही था कि आपको हम दिखाएंगे कि सामने को जाके उधर भी अंधेरा हो गया, इतना क्या दिखाया वहाँ पर भी। खैर अब इंशाल्लाह मुझे पता काफ़ी लंबा वक्फा पड़ा है व्लॉग के बीच में, अब दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग आया करेगी, डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह शुरू, दोबारा से रूटीन वापस अपनी सेट करेंगे ताकि, और बाकी शुगर मेला जो अपना रहेगा वो जारी रहेगा हर व्लॉग के अंदर, शुगर मेला हंसा मजाक जारी बिल्कुल। खैर अभी ठंड बहुत लग रही है, मैं आप पैंट शर्ट पहन के आ गया हूँ, तो अभी बस हॉस्टल चलते हैं,
तो वहाँ जाके ना फिर देखते हैं खाने पीने में क्या बना है वहाँ पे, मैं खाना भी खाना है अभी। खैर फिर वहाँ जाके आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। One hour later. तो यार वापिस आए हैं भाई, वगैरह पार्क किए हैं भाई। अरे ये भाई जान सब थक थका के फारग हो गए हैं सारे। क्यों? ये देखो जरा ठंड चेक करो ये। तो यार खाने में क्या है यार? हैं? खाना है क्या वैसे पहले ये बताओ। खाने में क्या? गोभी। यार गोभी? हाँ। गोभी बहु? गोभी। आज रसोड़ी रसोड़ी में कौन था? यार मैं कहता हूँ बाहर से खा कर देना थोड़ा सा, बस कमरे में बैठते हैं थोड़ा फोन चार्ज कर लूँ। नहीं ऐसे ही चलते हैं, पावर बैंक क्या अभी चेक कर ले जी। बहुत अच्छा है इनकी। मैं फिर अपर पहन लूँ, ठंड लग रही है, मैं अपर पहन लूँ तो फिर बाहर ही खाते हैं। तो यार गाइस यहाँ व्लॉग को एंड करता हूँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी भूलिएगा। क्या ले जूँ यार, एंड तो करने देते सही तरह से यार। मैं अगेन कर देता हूँ, तो यार यही मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा देना लाजमी। तो बाकी आप बस खाना छाना खाएंगे आकर, आपकी ठंड बहुत लग रही है। खैर चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके फिर।